हेलो स्टूडेंट्स, वो सभी स्टूडेंट्स जो बहुत मन से वेट कर रहे थे इस बात का कि सुप्रीम कोर्ट जो है उनके फेवर में कुछ ना कुछ अच्छा देगा, उनके लिए थोड़ा परेशान करने वाली न्यूज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज के दिन पे पेटिशन में ये बोला, पेटिशन के रिप्लाई में ये बोला है कि अगर बाय द वे आप सीधा सीधा एक रिट फाइल करते तो शायद ज्यादा आसान होता, आपको 5 अगस्त को आना चाहिए था। पेटिशन जिन्होंने लगाई थी उनको बोला, और दूसरी बात ये कि अगर आपको आना ही था तो आप दिल्ली हाईकोर्ट के वाया आते। आज के दिन पे हम फ्राइडे के दिन पे ये फैसला नहीं दे सकते कि अब संडे को जो एग्जामिनेशन हो रहा है वो ना हो, तो ये अपने आप में वाकई देखा जाए तो संडे के दिन का एग्जामिनेशन तो रोका नहीं जा सकता, पर स्टूडेंट लोगों के साथ में काफी मतलब दिल दुखाने वाली एक न्यूज है। और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कि ये सब बताते हुए कि ये इस तरह से हुआ है। अभी तो बस सिर्फ इतना ही है कि मैं उन सभी स्टूडेंट्स जो जेई एडवांस का एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे उनसे यही कहूंगा कि बेटा आप अपनी तैयारी को अपने ऑप्टिमम लेवल तक लेके जाएं, आप अपना बेस्ट देकर के आएं। और वो सभी स्टूडेंट जो एक फेयर डिसीजन की उम्मीद कर रहे थे, दे'ल नाउ गो टू दिल्ली हाईकोर्ट, एंड मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आज नहीं तो कल जस्टिस हमारे फेवर में आएगा, क्योंकि आपकी तो कोई गलती ही नहीं है। चाहे सॉफ्टवेयर क्रैश होना हो रहा हो, चाहे इनविजिलेटर जो था वो इनकैपेबल था, चाहे जो आपने क्वेश्चंस के आंसर जो दिए वो आपकी मार्कशीट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हो, चाहे मतलब किसी भी तरह का कोई भी अन्याय जरूर डेफिनेटली आपके लिए, मैं तो यही कहूंगा कि वो जस्टिस मिलना चाहिए आपको। तो फिलहाल आज के दिन का तो थोड़ा सा ऐसा ही सैड वाला ही है, तो जो भी लेटेस्ट होगा वो मैं आपके साथ में आकाश बैजू चैनल पर जरूर बताता रहूंगा।